कि पीएम नरेंद्र मोदी आप इस वक्त घटनास्थल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी देख रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान को भी आप देख पा रहे होंगे। और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई थी, खुद पीएम वहां पर पहुंचेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे, उसके बाद पीड़ितों के पास जाकर उनका हाल चाल जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है, क्या कुछ मदद है जो उन्हें दी जानी चाहिए, इसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत होगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनके कार्यक्रम में ही आज था कि वो यहाँ घटनास्थल पर पहुंचेंगे, पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। ये पूरा हादसा कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी देखिए, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तो उनको दे ही रहे हैं, लगातार वो भी नजर बनाए हुए हैं, दिल्ली से ही लगातार मीटिंग कर रहे थे, दिल्ली में मीटिंग होती है, हाई लेवल मीटिंग, क्या मदद दी जा सकती है उस पर भी चर्चा की जा रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में उन परिवारों के साथ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है, ये वक्त ऐसा है जब हम सबको उन परिवारों के साथ में खड़ा होना है। और इसीलिए शायद देखिए अब ये तस्वीरें घटनास्थल की हैं जहां आप देख रहे हैं बोगियां इधर उधर पड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो उनके साथ में टीम है उसमें एनडीआरएफ के जवान भी हैं, साथ ही साथ में रेल मंत्री भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि पूरा का पूरा ये हादसा कैसे हुआ है। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो हुआ है उसके बाद में आप उन परिवारों के साथ कैसे खड़े होते हैं, उन लोगों को ढांढस कैसे बंधाते हैं, क्योंकि सिर्फ कह देना या शब्दों में इस तस्वीर को बता देना बहुत नहीं होगा, ये वक्त बड़ा मुश्किल है इन परिवारों के लिए। बहुत से परिवार हैं, जब आप सुन रहे हैं तो आपको घर बैठे ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए उन परिवारों पर आज क्या बीत रही होगी। और यही कारण है कि देश के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मौके पर, उनका दुख बांटने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए कि इस वक्त राजनीति नहीं बल्कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये समय आपके साथ खड़े होने का है, आपके साथ में बिताने का है, आपके दुख को बांटने का है, तो कम नहीं किया जा सकता लेकिन बांटा जरूर जा सकता है। और घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो घायल हैं, जो जख्मी हैं उनके परिवार के साथ तो जाहिर सी बात है यहाँ नरेंद्र मोदी की बात होनी ही है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उनकी हौसला अफजाई करना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि पूरी रात से ये टीम लगी हुई है, टेम्परेचर बहुत हाई है और उससे ज्यादा ह्यूमिड उस जगह पर है, तो इतने भीषण तापमान के अंदर, इतनी विकट परिस्थितियों के अंदर लगातार घंटों से जो टीमें काम कर रही हैं उनकी हौसला अफजाई करना, उनका भी हालचाल पूछना, और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ वक्त और चलेगा क्योंकि सिर्फ जिंदगियों को बाहर निकालना ही काफी भर नहीं है, वो चीजें जो बेपटरी हो गई हैं, अब ये पूरा रूट बाधित हो गया है, उसे भी वापस से शुरू करना है, तो अभी तो ये टीमें बड़े लंबे वक्त तक और यहाँ पर काम करती रहेंगी, तो उनके बीच में पहुंचकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से पूछा कि क्या रात से अभी तक की परिस्थिति थी और अभी आगे के लिए किन चीजों की जरूरत है, तो ये तमाम काम वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आगे करेंगे, और फिर इसके बाद जब अस्पताल का दौरा होगा उधर की ओर रुख करेंगे प्रधानमंत्री, तो फिर जाहिर सी बात है अपने गम को लोग सीधा प्रधानमंत्री के साथ यहाँ बांट पाएंगे, बता पाएंगे, उनके आंसू शायद वो पोंछ पाएं, तो वो तस्वीरें अभी जब आगे मिलेंगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर हैं और देखिए किस तरीके से जहां पर हादसा हुआ है उस जगह का जायजा ले रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखों से देखेंगे, समझेंगे और जो भी मुमकिन मदद हो पाएगी उन तमाम पीड़ित परिवारों को मुहैया कराने की कोशिश करेंगे जो कि इस हादसे में घायल हो गए हैं या जिनके जो परिजन हैं उन्होंने इस हादसे में अपने परिजनों को खो दिया है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद पैदल घटनास्थल तक की ओर जा रहे थे, घटनास्थल का रुख कर रहे थे, और तस्वीरों में अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान भी, जो कुछ अभी तक वहां पर हुआ है क्योंकि अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान दोपहर से ही वहां पर पहुंचे हुए थे और अश्विनी वैष्णव तो सुबह ही पहुंच गए थे तड़के, और ऐसे में जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों देखी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयां कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, घटनास्थल का जायजा पीएम की ओर से लिया जा रहा है, और ऐसे में हौसला अफजाई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का वो कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से हमने देखा है कई बार एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें अपनी जान पर खेलकर हम आम लोगों की जान बचाती हैं और शायद इसीलिए उन्हें जीवनदायिनी भी कहा जाता है, और इनके स्ट्रगल को, इस जज्बे को पूरा देश आज सलाम कर रहा है। लेकिन हौसला अफजाई के लिए खुद पीएम वहां पर पहुंचे हैं, न सिर्फ इतना बल्कि वो घटनास्थल पर जाकर मौके का जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे उन अस्पतालों में जहां पर इस हादसे में जो लोग पीड़ित हैं या घायल हो गए हैं, बुरी तरह से घायल हैं, उनका दुख दर्द जानेंगे, उन्हें क्या मदद पहुंचाई जा सकती है, क्या वो जरूरतें होंगी, इस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर रहेगी।
तो ये जहां हादसा हुआ है यहां से थोड़ी दूरी पर एक फाटक है। जिस वक्त ये पूरा हादसा होता है सबसे पहले जानकारी स्थानीय लोगों को मिलती है, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हमें उन लोगों की भी तारीफ करनी चाहिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, लगातार वो काम कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों ने भी बड़ी मदद की है। जब आप पीड़ितों को सुनते हैं वो बताते हैं कि स्थानीय लोग आए, किस तरीके से मदद करने की कोशिश की, कोई पानी मांग रहा है तो पानी दिया गया। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में आसपास का जो एरिया होता है वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी भी तारीफ बनती है। जब वो ऐसी मुश्किल घड़ी में आते हैं, लगातार मदद कर रहे हैं, उन्होंने ही सबसे पहले सबको जानकारी दी कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन वो किस तरीके से मदद करते रहे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बालासोर पहुंचे हैं और उनके साथ में रेल मंत्री मौजूद है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर जब अभी भी वो उस जगह पर मौजूद हैं, जो टीम वहां पर काम कर रही है उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में उनके लिए भी मुश्किल है। एक ऐसा इलाका जहां से इस सब सामान को हटाना भी है, क्योंकि रेल यातायात एक ऐसा यातायात है जिसको अगर ज्यादा देर तक ठप रहेगा तो आगे भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए इस पूरे एरिया को अब साफ भी करना है। जब आपने सभी लोगों को बाहर निकाल दिया है, लेकिन अब ये बोगियां कैसे हटाई जाएंगी? कई सारी बोगियां हैं जो इधर उधर पड़ी हुई हैं, पूरी तरीके से 3 से 4 यहां पर रेल ट्रैक है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं। तो ये जो रूट है इसको क्लियर करना भी एक बड़ी चुनौती है, कैसे हटाया जाए। अभी आप हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देख रहे थे, वो ये तक जानकारी दे रही थी कि गैस कटर से भी काटने पर बोगी नहीं कट रही है, ये हालात पैदा हो गए हैं। तो ऐसे में कब तक ये होता है? दोपहर तक जो जितने भी लोग थे उन सबको वहां से हटा दिया गया। ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए सभी से बातचीत कर रहे हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनसे बातचीत की गई, क्या उनको मदद दी जा सकती है, आप उनको भी क्या मदद देते हैं, सरकार उनको कैसी मदद दे ताकि वो जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करके यहाँ से ये जो पूरा यातायात बंद हो चुका है इसको ठीक तरीके से चलाया जा सके, और कैसे कैसे निकाला, मुश्किल उनके लिए भी है। हम तो यहाँ से बैठे सिर्फ विजुअल्स देख रहे हैं, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए जो जवान वहां काम कर रहे हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई होगी कि कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है, लेकिन हर एक जिंदगी को बचाना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। और ये काम बहुत सूझबूझ के साथ करना होता है, पूरी प्लानिंग के साथ उसकी दिशा में भी आगे बढ़ना होता है। ये एनडीआरएफ एसटीआरएफ की टीम जो रात से लगी हुई है, इनकी कोई शिफ्ट नहीं बंधी होती है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाना है तब तक जिंदगियों को बचाना ही इनका धर्म है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, अगर प्रत्यक्षदर्शियों से भी उनकी बात हो पाएगी तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा, और जब रिपोर्ट पहुंचती है उसमें और प्रत्यक्षदर्शी या जो जख्मी रहा है उसने जो बात बताई है उसमें बड़ा फर्क हो जाता है, कोई गैप नहीं रहता है बीच का। तो शायद यहाँ पर वो कोशिश भी हमें दिखाई दे। इसके पहले भी एक बड़ा हादसा जब मोरबी में हुआ था तब भी हमने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ घटनास्थल पर पहुंचे थे, हॉस्पिटल में जाकर उस वक्त भी जो जख्मी लोग थे उनका हालचाल उन्होंने जाना था। और अब आज भी लगभग वैसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्राउंड पर उतरकर जब आप वहां की परिस्थितियां खुद देखते हैं, समझते हैं, लोगों से बात करते हैं, चाहे वो रेस्क्यू टीम है या जख्मी जो शख्स है उससे, जब आप सीधे बात करते हैं, सीधे वार्तालाप करते हैं, तो बीच में कोई गैप नहीं रह जाता है और फिर उन बातों को समझने में शायद ज्यादा आसानी होती है। तो वही तस्वीर अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे, उन्होंने जो आंखों देखा हाल उस वक्त का था वो जरूर बताया होगा प्रधानमंत्री को। धर्मेंद्र प्रधान जब वहां पर पहुंचे तो तब की कैसी स्थिति थी, तब से अब तक कितना परिवर्तन हुआ है, क्या इसे और जल्दी खत्म किया जा सकता था या अभी और कुछ जरूरतें बाकी भी बची रह गई हैं, वो सीधी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस वक्त पहुंचती हुई। जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो जाहिर सी बात है दूरी भी बहुत थी और बताने वाले अफसर अलग थे, अब यहाँ पर जो घटना स्थल पर लोग मौजूद थे उनसे सीधी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब वो दिल्ली में बैठकर हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, जिस तरीके से घटनास्थल पर जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके बारे में जानकारी ले रहे थे, इससे कहीं ना कहीं इतनी आसानी तो जरूर होगी कि पीएम मोदी जब घटनास्थल पर पहुंचे हैं तो वहां पे जो परिस्थितियां पनपी हैं वो समझने में उन्हें आसानी रही होगी। और जब कॉन्सोल के जरिए उन्हें समझाया गया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अप लिंक और डाउन लिंक में किस तरीके से ट्रेनें जा रही थी आ रही थी, वो भी उन्होंने समझा, और क्या कुछ वहाँ पर संभावनाएं हैं मदद की ये भी समझी। और कहीं ना कहीं अगर इस हादसे को देखा जाए तो ये हादसा भविष्य में अगर
खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हादसा होता है तो इसको लेकर तमाम तरह की सीख भी देता है कि अगर इस तरह की स्थिति पनपती है तो किस तरीके से सिचुएशन को संभाला जाए। इस पर भी एनडीआरएफ और जो रेल विभाग है उसकी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचे हैं। वो वहां पर जो तमाम टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं, क्या कुछ मुसीबतें आड़े आ रही हैं रेस्क्यू में, और अगर कोई संभव मदद हो सके तो जो रेस्क्यू करने वाली टीमें वहां पर मौजूद हैं उन्हें मुहैया करवाई जाए। साथ साथ हौसला अफजाई वो स्थानीय लोगों की भी करेंगे, क्योंकि जब अपनों के बीच अपनों को तलाशते हुए लोग इधर उधर भाग रहे थे या प्यासे वहां पर परेशान हो रहे थे, भूखे परेशान हो रहे थे या फंसे हुए थे, तो सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे थे। और हमने अक्सर देखा है कि इस तरह से स्थानीय लोग जब पहला कदम आगे बढ़ाते हैं मदद के लिए किसी भी आपदा की स्थिति में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पीएम मोदी वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश कर ही रहे हैं और बात करते करते संभव है आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, घटनास्थल पर पहुंचेंगे और अगर वहां पर कोई चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है तो उससे बातचीत करेंगे, नहीं तो अस्पताल पहुंचेंगे, अस्पताल में पीड़ितों से मिलेंगे, पीड़ितों के जो तीमारदार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आंखों देखा हाल कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, और फिर उसके बाद जो भी संभव हो सकेगा वो मदद केंद्र की ओर से भी पहुंचाई जाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि तस्वीरें हमने वो भी देखी थी जबकि तमाम लोग अपना ब्लड डोनेट करने पहुंचे थे, क्योंकि ये हादसा इतना बड़ा था और हादसे में तमाम लोगों की न सिर्फ जाने गई हैं बल्कि हजार से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम वो लोग भी हैं जिन्हें तुरंत रक्त की जरूरत है, तुरंत ब्लड की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में जब सीएम नवीन पटनायक पहुंचे उसके बाद लोगों का हुजूम अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गया ब्लड डोनेट करने के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। और इस वक्त एनडीआरएफ की टीमें, पुलिस की तमाम टीमें, रेस्क्यू की तमाम टीमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जो जवान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ चीजें अगर चाहिए तो जल्दी मुहैया कराई जाए, कैसे किया गया इस पर भी जानकारी ली जाएगी, आगे क्या करना है इस पर भी जानकारी ली जाएगी, और भविष्य में ऐसा न हो पाए इस पर भी अब मंथन होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप दिल्ली में होते हैं तो स्थिति शायद कुछ और होती है या आपको जो बताया दिखाया समझाया जाता है आप तकनीकी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पर हैं तो निश्चित तौर पर आप जो तस्वीरें अपनी आंखों से देखते हैं तब आप समझते हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है यहां पर, आप कैसे उसको ठीक करते हैं। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे उनको इस बात की जानकारी लगी थी उसी वक्त उनका ये शेड्यूल आ गया था कि वो बालासोर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले दिल्ली में भी एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ में, गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें मौजूद रहते हैं, एनडीआरएफ के जो टॉप कमांडर होते हैं वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि वहां तकनीकी चीजों को समझना है। लेकिन जब ग्राउंड पर आए हैं तो अब एनडीआरएफ के जवानों से भी समझ रहे हैं, क्योंकि आपके जो चीफ हैं वो आपको अगर कोई कमान देते हैं तो आप वो जरूर करते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर ग्राउंड पर जो हैं जो परेशानी आ रही हैं आप उनको कैसे दूर करते हैं। इन सबसे तर ये तस्वीर, ये हादसा एक ऐसा हादसा है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। अगर हम सरकार के नजरिए से देखते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर काम करेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो या कोई भी नेता हो, इस पर काम करेगा कि भविष्य में ऐसा हादसा ना हो पाए, इसका कारण खोजा जाए और उस पर काम किया जाए। लेकिन अगर हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया है, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने अपना बच्चा खोया, उस लिहाज से वाकई दुखद एक ऐसी तस्वीर है। तो ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये एक उन्हें चार्ट देखिए दिखाया गया और उसमें उनको समझाया गया कि कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री भी दिशा निर्देश देते हुए घटना की पूरी समीक्षा की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ में मौजूद हैं, रेल मंत्री उनके साथ में मौजूद हैं। मैं बार बार हम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं, हम सभी इसका जिक्र कर रहे हैं कि तकनीकी खामियों को कैसे दूर किया जाए, आगे कैसे काम करना है, जल्दी रेस्क्यू करते हुए इस पूरे रूट को क्लियर करना है ताकि जो यातायात ठप हो चुका है उसको आगे ठीक किया जा सके, कुछ अगर हुआ है तो उससे आगे बढ़कर भी चीजों को करना है। अब इसके बाद जो तस्वीर आएगी वो भी महत्वपूर्ण होगी जब पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन फिलहाल जायजा लेते हुए चीजों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, सीधी तस्वीरें बालासोर से इस वक्त आप देख रहे हैं, जो घटना स्थल है वही जो कैंप लगे हुए हैं जहां पर अधिकारी वहां मौजूद हैं उनके साथ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, उन्हें समीक्षा कर रहे हैं, यहां पर अभी तक के जितने कामकाज हैं वो भी और आगे अभी क्या कुछ बचा है वो भी जानते हुए। देखिए कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है,
तो अगर कुछ चूक हुई है भविष्य में वो कैसे ना हो, उसे कैसे रोका जा सकता है, जाहिर सी बात है अभी वो भी समझना, देखना और उसके ऊपर भी पड़ताल करने का ये ठीक समय है। लेकिन जब कोई घटना होती है तो सबसे पहला काम रेस्क्यू का होता है। सुबह से ही बताया जा रहा था कि शाम तक समाप्त हो जाएगा ये काम, तो अब हम ये मान सकते हैं कि चूंकि 4 बजे का समय हो भी चुका है और चूंकि आधिकारिक आंकड़ा जो मौत का है वो भी जाहिर कर दिया गया है, तो ये हम मान सकते हैं कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका होगा। अब जो ट्रैक खाली करवाने का काम है वो ही शायद बाकी बचा रह गया होगा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जबकि वहां पर पहुंचे हैं